नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। मांझियाव थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों से अवैध बालू उठाव को लेकर सीओ थाना प्रभारी द्वारा की गई छापेमारी। मांझियाव जिला उपायुक्त रमेश घोलप के निर्देशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी राज महेश्वरम के निर्देश के आलोक में मांझियाव थाना क्षेत्र के विभिन्न प्रतिबंधित नदियों से अवैध बालू उठाव पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर गत शनिवार की पूरी रात अंचलाधिकारी रामजी प्रसाद गुप्ता एवं थाना प्रभारी कमलेश कुमार महतो द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न बालू घाटों पर सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। लेकिन दो दिनों तक लगातार छापेमारी अभियान के दौरान अवैध बालू खनन के धंधेबाज अपने साहस नहीं जुटा सके। छापेमारी दल के मोरबे, खरसोता, दमनकारा, डनहे सहित कई स्थायी व अस्थायी बालू घाटों पर छापेमारी की गई, लेकिन छापेमारी दल को कोई सफलता नहीं मिल सकी। लेकिन अब दो दिनों से अवैध बालू के खनन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग चुका है। इधर अंचलाधिकारी रामजी प्रसाद गुप्ता ने थाना क्षेत्र के प्रतिबंधित कोयल नदी या फिर बांकी नदी से धंधेबाजों द्वारा अवैध खनन पर शिकंजा कस डाला है। इसके लिए उन्होंने अंचल के सभी राजस्व उप निरीक्षक दल को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में अपने अपने हलका के अंतर्गत अवैध बालू का भंडारण नहीं होने दें, अन्यथा राजस्व उप निरीक्षक दोषी समझे जाएंगे। उन्होंने अवैध बालू भंडारण होने संबंधित जांच प्रतिवेदन की अहर्ता पूरा करते हुए खाता संख्या, प्लॉट संख्या एवं रकवा सहित 48 घंटे के अंदर अधो हस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि दमनकारा में 2-3 जगहों पर 2-3 ट्रैक्टर रखे हुए थे, जिसका प्रतिवेदन वरीय पदाधिकारी को भेज दिया गया है। वहीं कहा कि अगर अवैध बालू का भंडारण की सूचना प्राप्त होती है तो वैसे स्थिति में इसके पूर्वा जवाबदेही क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक की होगी और साथ ही अवैध बालू भंडारण नहीं होने की स्थिति में नहीं होने का प्रमाण पत्र कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि निरंतर बालू के अवैध खनन और ढुलाई पर शिकंजा कसा जा रहा है और आगे भी कसा जाएगा। सर, आज दो दिनों से लगातार बालू का छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, रात में क्या क्या? आज जो है से हम लोग 4 जगह जो है सो बालू घाटों का परसों ही से जो है से हम लोग सघन छापामारी कर रहे हैं, जिसमें आज 4 घाटों का छापामारी किया गया है। लेकिन कहीं पे जो है से ट्रैक्टर के द्वारा बालू का उठाव नहीं किया जा रहा था, लेकिन ग्राम दमनकारा में नदी के किनारे कुछ कुछ बालू का संग्रह किया गया है, जिसमें कहीं पे 2 ट्रैक्टर, कहीं पे 3 ट्रैक्टर, इस प्रकार से वो बालू का संग्रह किया है। जो उपायुक्त महोदय के यहाँ हम लोग प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। ये अभियान अभी जारी रहेगा जब तक सरकार का कोई गाइडलाइन नहीं आ जाता है। नया जो है सो घाटों का टेंडर नहीं होने तक ये अभियान जारी रहेगा। तैबा हॉस्पिटल, डॉक्टर यासीन हेल्थ केयर, मदरसा रोड बस स्टैंड के पास गढ़वा, स्त्री एवं प्रसूति रोग संबंधित सेवा एवं सुविधाएं, ANC नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन, बांझपन परामर्श एवं उपचार। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।